आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने की सबसे बड़ी वजह ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को पूरा एक साल हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, यहां जो है किसान दूर दूर से पहुंच रहे हैं, इन सभी से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहां से आप आए हैं? जी लोनी से आए हैं। अच्छा, अगर बात की जाए किसान आंदोलन को पूरा एक साल हो चुका है, अब आगे का कैसा रास्ता तय होना? अब आगे का रास्ता ये है जी कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, अब उसको दिखाई दे गया है कि कुर्सी खिसकने का मामला बन गया है। अगर चाहता तो वो पहले भी मतलब ऐसा आके ले सकता था ये कृषि कानून वापिस। 750 हमारे किसान जो है शहीद हो चुके हैं। अब और भी मांग है मतलब ऐसा, पर बाकी इस मामले में हमें बहुत बड़ी खुशी हुई जो कृषि कानून वापिस। अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो आज क्या क्या यहाँ होना है? अभी देखो क्या होता है सर, अभी तो बहुत सी बात है, अभी वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, जो ऊपर के आदेश होंगे वही काम होगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अलग अलग जिलों से किसान पहुँच रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी किसान पहुँचे हैं और इनसे बात कर लेते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं आज? जिला सहारनपुर। अच्छा, क्या लग रहा है, आज एक साल हो चुका है, अब आगे का रास्ता क्या होने वाला है? आगे का रास्ता यही है, इतने हमारे में कहना MSP पर कानून नहीं बनाते हैं और ये जितने मुकदमे इन पर किसानों पर हैं और जितने मरे उनको अनुदान नहीं देते, उनका पैसा नहीं देते, इतने यहाँ से किसान कोई भी उठने वाला नहीं है। अगर आज की बात की जाए तो आज किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आज हमारा एक साल हो चुका है, खुशियाँ मना रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी है, आज एक साल जो किसानों को हुआ, दुख भी है और खुशी भी है कि जो खोया कुछ पाया। हाँ जी, कुछ खोया कुछ पाया है, इस वजह से खुशी भी है और गमी भी है। हमारे जो किसान शहीद हुए उनके बारे में कोई सरकार कोई शब्द नहीं बोलती, सरकार के लिए बहुत दुख है। और किसान जो यहाँ शहादत दे रहे हैं, जो अपनी हाजी हाजिरी दे रहे हैं, उनके लिए खुशी है, किसान बहुत हिम्मत कर रहा है। अच्छा, किसान हाजिरी की बात की, आपने हाजिरी की बात की, कल PM मोदी ने ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वहाँ भी कहा गया कि काफी किसान वहाँ पहुँचे हैं और खुश हैं सरकार से, तो उस पर क्या कहना चाहिए? किसान तो नहीं, सरकार तो हमारी कोई, हम किसी से नाराजगी थोड़े, सरकार तो फिर जो किसान को जो नहीं देता कुछ भी, हम सारी सरकारों से, हम जो किसान का उत्पीड़न करेगा हम उनके लिए, सब सरकार के लिए किसान दुखी है। बताइए क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं यो कह रहा किसान कौन सा उसमें बैठ रहा, वो तो अपनी झोटा बुग्गी ट्रैक्टर पर रहा है, तो उससे क्यों खुश होंगे? मैं जो खुश होंगे होंगे। अच्छा, PM मोदी का कहना है कि किसान जो है इस बार खुश हैं, और 3 कृषि बिल की अगर बात की जाए, इसके अलावा किसान सम्मान निधि की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो किसान खुश हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सरकार का कहना है, PM मोदी का भाई ये बिल मोदी जी लाए थे, किसानों ने तो नहीं मांगे थे, फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते इतने, अगर हमारी फसलों के वाजिब दाम नहीं, हम 6,000 का ही क्या करेंगे, वापस ले लो 6,000 और 6 हमारे से ही ले लो, हमें तो जरूरत ही नहीं है, हमारे तो फसलों के दाम वाजिब, हमारी तो जो फसल हो उसका वाजिब दाम दे दो, हमारी फसल के पैसे दे दो, MSP जरूरी। हाँ, जो गन्ने के रेट में हम भटकते फिर रहे, वो भटकते फिर रहे, पैसा नहीं मिलता, हम उधार ले पता नहीं क्या क्या कर्जे पर ले, मान लो अगर सरकार हमें नहीं दे रही तो किसान तो कुछ भी नहीं बेचारा, किसान तो भूखे मरने की नौबत आ रही है उसकी। तो किसान भैया आप क्या कहना चाह रहे थे? आप किसान नीति के बारे में बोले थे ना, आ किसकी रही है किसान नीति, ये तो सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है, तो आंकड़े जारी कर रही है कि हमने आंकड़े जारी करने तो कुछ थोड़ी होता, आंकड़े तो सारे में जारी करते हैं, हमने ये काम करा वो काम करा, इन्हें तो ये दिखाना सारे पोस्टर लगाने, आंकड़े तो कोरोना के भी जारी, हाँ आंकड़े कोरोना के भी किए, हर चीज के किए, बताओ आंकड़े ही पूरे करते हैं, किस बात के बताओ, सम्मान निधि मेरी नहीं आ रही, मैं किसान हूँ। तो आप अभी आपने अप्लाई किया था सम्मान निधि, अपना 20 बार चला गया वहाँ, मेरी तो एक बार भी नहीं आई, कागज डॉक्यूमेंट क्या कहा जाता है, ये कहता है कि कभी तुम्हारा आधार कार्ड में दिक्कत है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, सारे सब कुछ ये बताते हैं सब, कोई सम्मान निधि। आप बताइए क्या कह रहे हैं कि आंकड़े तो फर्जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? आंकड़े तो इन्होंने कोरोना के चल रहे कोविड के टीकाकरण उसके भी दिखा दिया कि 125 करोड़ लग गए, 125 करोड़ की आबादी बता रहे हैं, सब नहीं लगवा लिए, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पे 20% लोगों ने लगवाए, और ये आंकड़े बता रहे इस हिसाब से तो 500 करोड़ की आबादी हो गई, फिर 125 करोड़ की क्यों बता रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो दोहरी डोज को लेकर लगाया, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो कल जो वहाँ पर लोग पहुँचे थे उसमें कहा जा रहा है कि किसान भी बड़ी संख्या में पहुँचे थे और वो सरकार से नाराज नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? वो सब उनके BJP वालों के एजेंट गए होंगे, किसान कोई नहीं गया, किसान तो यहाँ पे है, किसान तो यहाँ पे है, उन्होंने किसी को बुला के किसान बता दिया तो उसका कोई क्या करेगा, झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलती जा रही है। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से।
तो क्या लगता है अब आपको, अब आगे का रास्ता क्या होने वाला है? कल एक अहम मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, तो क्या लगता है अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता जो हमारे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो तय करेंगे उसके आधार पर हम चलेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लगभग आप एक साल से धरने पर हैं और उससे पहले भी उनसे जुड़े रहे हैं, तो कुछ तो आपको भी अंदाजा होगा कि क्या रास्ता हो सकता है आगे। रास्ता MSP पे गारंटी देंगे, हमें रास्ता ये है, हम अपने घर चले जाएंगे। MSP पे गारंटी दे दो, MSP पे कानून बना दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम अपने घर चले जाएंगे, उसमें कोई बात थोड़ा ही है। तो देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से जो किसान है उनका कहना है कि जिस तरह से कृषि बिल वापस लिए गए हैं, ठीक उसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको लागू कर देना चाहिए, जिससे हम यहाँ आंदोलन ख़त्म करें और अपने घर जा सकें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।